नमस्कार। चरम निर्देश में कहा गया है, जन नियम के बिना साधना नहीं हो सकती, अतः जन नियम का पालन करना भी परम पुरुष का ही निर्देश है। आइए इस जन नियम को जानते हैं। जन नियम की बहुत सुंदर व्याख्या आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपनी पुस्तक जीवन वेद में की है, जो बहुत ही विद्वतापूर्ण, विवेक संगत और व्यवहारिक है। इसी पुस्तक से बहुत ही संक्षेप में कुछ कहा जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए जीवन वेद अवश्य पढ़े। यम नियम के 10 अंग हैं, जिसमें यम साधना के 5 अंग और नियम साधना के 5 अंग। यम साधना में अहिंसा, सत्य, अस्थाई, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। नियम साधना में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। विशेषता के विचार से यम साधना मूलतः भौतिक और मानसिक जगत की साधना है और नियम साधना भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जगत में समान भाव से महत्वपूर्ण है। यम साधना में फर्स्ट है अहिंसा। मन, वाक और शरीर के द्वारा किसी को पीड़ा, कष्ट ना पहुंचाने को ही अहिंसा कहते हैं। हिंसा और शक्ति का प्रयोग दोनों एक बात नहीं है। शक्ति के प्रयोग करने से संभव है हिंसा हो जाए, यद्यपि मन में आघात पहुंचाने का भाव नहीं है। संभव है परिस्थिति के दबाव में मनुष्य विशेष के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना पड़े, जिसकी परिणति हिंसा हो। ऐसे मनुष्यों को जिसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना पड़े, संस्कृत में आतताई कहा गया है। जो कोई अपनी पार्श्विक शक्ति से किसी की संपत्ति छीनता हो, पत्नी का अपहरण करता हो, धन चुराना चाहता हो, किसी के घर में आग लगाना चाहता हो और विष का प्रयोग कर हत्या करना चाहता हो, आतताई कहलाता है। अगर कोई मनुष्य या राष्ट्र या उसके किसी भाग पर अधिकार जमाना चाहता हो, तो उस आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। अब यह विचार किया जाए कि माता पिता के द्वारा बच्चों को दंडित करना हिंसा है या नहीं है। नहीं, यह हिंसा नहीं है। इस प्रकार का दंड का तात्पर्य बच्चे की आंखों से आंसू बहाना नहीं है, बल्कि सुधार की भावना से उसे दंड दिया गया है। चाहे कोई चोर हो या डाकू हो या मित्र हो अथवा कोई हो, सुधार की सच्ची भावना से किया गया कोई भी कार्य ऊपर से देखने में चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों ना हो, हिंसा नहीं। सेकंड, सत्य। दूसरों के हित के उद्देश्य से मन और वाक्य का जो यथार्थ भाव है वही सत्य है। सत्य के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी के शब्द ट्रू या ट्रूथ को संस्कृत में रीत कहा जाता है। साधक को रीत नहीं बल्कि सत्य का अनुसरण करना है। अब ये रीत और सत्य क्या है जानते हैं। मान लो एक मनुष्य भाग कर तुम्हारी शरण के लिए आता है। तुम नहीं जानते वह दोषी है या नहीं, अथवा तुम निश्चित रूप से जानते हो कि वह निर्दोष है। एक आतताई उसे मारने के लिए जाता है। अगर भयभीत मनुष्य तुम्हारे घर में शरण लेता है और वह आतताई उसका पता पूछता है, तो तुम क्या करोगे? रीत का पालन करने से यदि तुमने उसका पता बता दिया और उस आतताई ने उसकी हत्या कर दी, तो क्या तुम उस हत्या के जिम्मेदार नहीं हुए? तुम्हारी भूल से एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया। रीत का पालन करने से अप्रत्यक्ष रूप से तुम पाप के भागी बने, पर सत्य के सही अर्थ का पालन किया जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा कर्तव्य होगा कि उसका सही पता नहीं बताओ और शरणार्थी के हित में आक्रमणकारी को गुमराह कर दे, जिससे वह सुरक्षा पूर्वक उचित स्थान को लौट जाए। थर्ड, अस्थाई। दूसरों की चीज दखल ना करने का नाम ही अस्थाई है। अस्थाई का अर्थ है आचौर्य, चोरी न करना। चोरी चार प्रकार की होती है। पहला, भौतिक रूप से जो दूसरों की संपत्ति की चोरी कर लेते हैं, केवल वही चोरी नहीं है बल्कि अपनी बुद्धि के बल से धोखा देकर भी जो दूसरों की संपत्ति को हड़प लेते हैं, वह भी चोरी है। हाँ, खरीदार रुपए के बदले में कोई सामान लेना या अदला बदली करना चोरी नहीं है। दूसरा, मन ही मन यदि किसी का सामान चुराने की योजना बनाते हैं, तो वह भी चोरी है। तुम्हारे भीतर के मानव ने तो चोरी करवाई, भले ही कानून के भय से उसने वस्तु नहीं उठाया। तीसरा, तुमने किसी की कोई वस्तु नहीं उठाई पर ऐसा किया जिससे उसको घाटा लग गया, वह भी चोरी हुई। चौथा,
तुमने किसी को किसी प्रकार से घाटा नहीं पहुंचाया, पर मन ही मन ऐसा करने की योजना बनाई, यह भी चोरी हुई। तीसरे और चौथे प्रकार की चोरी इस प्रकार है, बिना टिकट ट्रेन से यात्रा करना, आयकर या बहुत तरह के कर देने में फाके मारना, सरकारी कर्मचारियों को घूस देना, दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचना इत्यादि। और ब्रह्मचर्य, मन को सर्वदा ब्रह्म में रत रखने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना। जब मनुष्य कोई कार्य करता है या करने को सोचता है तो वह स्थूल वस्तु के संपर्क में आता है, उस वस्तु को एक सीमित सत्ता के रूप में देखता है। सतत भोग्य पदार्थों की कामना करने से उसका मन स्थूल बन जाता है। ब्रह्मचर्य साधना अभ्यास करने का अर्थ है कि जिस वस्तु के संपर्क में हम आते हैं उसे भी ब्रह्म के रूप में देखना, सीमित सत्ता के रूप में नहीं। इस प्रकार की धारणा से मन के एक वस्तु से दूसरे वस्तुओं पर विचरण करते रहने पर भी वह ब्रह्म से पृथक नहीं होता, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु पर ही ब्रह्मी भाव का आरोप करता है। 5. अपरिग्रह, देह रक्षा के लिए निमित्त जो प्रयोजनीय है उसके अतिरिक्त सभी कुछ का त्याग करने का नाम अपरिग्रह है। किसी भी वस्तु के भोग में आत्म नियंत्रण ब्रह्मचर्य है और वस्तु पर नियंत्रण अपरिग्रह है। नियम साधना में फर्स्ट है शौच। शौच शब्द का अर्थ है पवित्रता, शुचिता, सफाई। यह शौच दो प्रकार का होता है, एक बाह्य शौच और दूसरा आंतरिक शौच। बाह्य शौच का संबंध शारीरिक स्वच्छता से है और आंतरिक शौच का संबंध मानसिक पवित्रता से है। मिट्टी, जल या तरह तरह की औषधियों के यथोपयुक्त व्यवहार को बाहरी शौच कहते हैं, जिनसे शरीर, कपड़े या रहने का घर आदि साफ सुथरे रहते हैं। अब मानसिक शौच जानते हैं। जब कोई व्यक्ति संपत्ति, विद्वता और पद के क्षेत्र में अपने परिश्रम और लाभ के बल पर ऊंचा उड़ता है, तो कुछ लोग ये देखे बिना कि स्वयं उतना ऊपर उठने की हम में योग्यता है या नहीं, उस मनुष्य से ईर्ष्या करने लगते हैं। यद्यपि उस मनुष्य में उनकी कुछ भी हानि नहीं की, फिर भी ये लोग ईर्ष्या के वशभूत होकर उनका हित सोचने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो भले आदमी कहे जाते हैं उनका मन भी बहुत जल्दी कलुषित हो जाता है। जिस प्रकार किसी तूफान में मनुष्य के कपड़े और मकान धूल से गंदे हो जाते हैं, उससे भी कम समय में मनुष्य के मन महत्वहीन घटनाओं के तूफान से कलुषित हो उठते हैं। अगर शरीर, वस्त्र और मकान को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, तो उससे भी अधिक आवश्यकता मन को स्वच्छ रखने की है। मानसिक स्वच्छता के उपाय हैं साधना, जीवों पर दया दान, परोपकार और कर्तव्यरत रहना। 2. संतोष, अयाचित रूप से बिना मांगे जो मिले उसी में तृप्त रहने का नाम संतोष है। मनुष्य पशु के भांति भौतिक भोगों के पीछे दौड़ रहा है, मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं है, इसलिए सामान्य परिश्रम से जो मिल जाता है उसमें प्रसन्न रहना संतोष साधना है। किंतु संतोष साधना का अर्थ कदापि नहीं कि तुम्हारे सीधेपन का लाभ उठाकर कोई तुम्हारा शोषण करना प्रारंभ कर दे और तुम चुपचाप उसे सहते चले जाओ। अपने उचित मांग के लिए तथा आत्मरक्षा के लिए अपने अधिकार को छोड़ना कदापि उचित नहीं। अपनी उचित मांग के लिए सम्मिलित प्रयास से तुम्हें लड़ते जाना होगा, पर अधिक लोभ के वशीभूत होकर अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति को नष्ट करते हुए कभी भी संतोष साधना के सिद्धांतों के विरुद्ध मत जाओ। 3. तप, उद्देश्य साधन के लिए शारीरिक कृच साधन का नाम तप है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कष्ट सहना तप है। इस कष्ट साधना के पीछे एकमात्र लक्ष्य रहना चाहिए और वह होना चाहिए दूसरों के दुखों और कष्टों को अपने कंधों पर लेना। एक लखपति के लिए 10 रुपए के दान से कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता, उसके लिए कोई तप नहीं, किंतु इस दान से उसमें मानसिक सुचिता आती है। स्वास्थ्य साधना की तरह तप में भी नाम मात्र की भी व्यवसायिक मनोभावना नहीं रहनी चाहिए। शुद्रोचित सेवा का तप से संबंध है, अतः जो शारीरिक परिश्रम से डरता है अथवा शूद्रों से घृणा करता है कभी भी तापस नहीं हो सकता। अत्यधिक पीड़ा से कोई रोगी आक्रांत है, उसे आराम पहुंचाने के लिए यदि तुमने घंटों उसकी सेवा की तो यह तप हुआ, किंतु यदि स्वार्थ की भावना से सेवा किया गया कि वह भी तुम्हारे बुरे दिनों में काम आएगा, तो एक ही क्षण में तप का संपूर्ण प्रयास नष्ट हो जाएगा।
अब साधना से मन पिघलता है और बहुत अंश में ईश्वर प्राणिधान में सहायता मिलती है। तब साधना में उनका विचार करना होगा जो तुमसे कमजोर है, उनका नहीं जो तुमसे बलवान है। उनके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी अधिक है जो तुमसे कमजोर है। अधिक गरीब, कम पढ़े लिखे, अज्ञानी और दलित है जो तुमसे अच्छे और अधिक शक्तिशाली है, उनके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत कम है। उपवास, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा और चार प्रकार के यज्ञ तप के अभिन्न अंग हैं। 4 स्वाध्याय, अर्थ समझकर धर्म शास्त्र और दर्शन शास्त्र के पाठ का नाम स्वाध्याय है। केवल समझकर पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं है, बल्कि उसके भावों को भी ग्रहण करना स्वाध्याय के भीतर सम्मिलित है। 5 ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की कई व्याख्या हो सकती है, परंतु उनका सामान्य अर्थ है विश्व का नियंत्रक, जो इस विश्व की विचार तरंगों का नियंत्रण करता है वही ईश्वर है। और प्रणिधान का अर्थ है स्पष्ट समझना अथवा आश्रय के रूप में ग्रहण करना। इस प्रकार ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ अपने को ब्रह्मी भाव में प्रतिष्ठित करना। ईश्वर प्रणिधान की सर्वोत्तम प्रक्रिया मानसिक जप में है।